एक दिन यूं ही ट्रेन में मैं सफ़र करते जा रहा था तो एक मोटिवेशन स्पीकर हमें मिले। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें एक बड़ा जीवन का अद्भुत मसला समझाता हूँ। कहा कि अच्छा है, समझाइए, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं ऐसे तो मोटिवेट रहता हूँ, लेकिन मोटिवेट कर देंगे और तो मेरे लिए और फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसी सिलसिले में मुझे उन्होंने एक घटनाक्रम समझाकर मोटिवेट करने का प्रयास किया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ, जो सामने दिखाई दे रहा है, इस पेड़ पर चढ़ जाओ, तो चढ़ जाओगे? मैंने कहा नहीं, नहीं चढ़ूंगा, क्यों चढ़ना है? फिर उन्होंने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें 10 रुपये देता हूँ, अब तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे, लंबा सा पेड़। कहाँ है कि भैया, हम गोड़ पेड़ तोड़ना है हमको, हाँ 10 रुपये के लिए अपना कहाँ है कि जान जोखिम में डालने चाहें। तो फिर नहीं, 10 रुपये में भी नहीं चढ़ूँगा। तो फिर कहा उन्होंने कि अच्छा अब बताओ, मैं तुम्हारा मोबाइल क्या करूँ, लेकर फ़ोन लेकर उस पेड़ के डाली पर किसी पर रख दूँ, अब बताओ तुम चढ़ोगे कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा अच्छा हमको बुड़बक समझते हैं, मैं आपका फ़ोन लेकर उसी डाली पर रख दूँगा, फिर कहूँगा कि जाइए आप चढ़िए। आप चढ़ ही गए हैं तो अपने फ़ोन के साथ साथ मेरा भी फ़ोन लेते आइए भैया। तो ये था कुछ फन शास्त्र। मोटिवेशन स्पीकर जो थे वो समझाना चाहते थे कुछ दर्शन शास्त्र, लेकिन हमें लगता है कि लोगों को आजकल दर्शन शास्त्र के साथ साथ फन शास्त्र की भी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। तो भरसक मैं प्रयास करूँगा कि फन शास्त्र में भी बहुत चीज़ें आपके लिए लाया जाए। और आज का ये फन शास्त्र का पहला चीज मटेरियल आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको।